चलिए बच्चों, सो आज का जो मेरा आपके साथ डिस्कशन होगा दैट वुड बी फ्रॉम सेल्फ प्रोस्पेक्टस। इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने कल सेक्शन 23 से लेके सेक्शन नंबर 30 तक किया, एंड आफ्टर अपार्ट फ्रॉम दैट हमने सेक्शन 9 भी पढ़ा, जो मैंने कहा था कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो पूरा ICSI की मॉडल में जो चैप्टर 1 है, वो पूरा चैप्टर 1 किसके किससे बना है, सेक्शन 9। देन हमने कल ये भी देखा कि कैसे ये जो है कंपनीज एक्ट 2013, ये जो है वो कंप्लीट लॉ एक प्रकार से नहीं है। अगर आपको कंपनीज एक्ट पढ़ना है तो उसके साथ में क्या पढ़ने पड़ेंगे, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। देन उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किए गए नोटिफिकेशंस वगैरह आपको पढ़ने पड़ेंगे, एंड देन सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं, और उसके बाद आपका कंपनी लॉ क्या करता है, कंप्लीट होता है। ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज जल्दी से ज्वाइन कीजिए। यस डियोगुरी, यस बेटा, श्रेया, राधे राधे, अभिषेक जी गुड मॉर्निंग, प्रिया जी गुड मॉर्निंग, एवरीवन, हर्षिता, प्रिय रंजन, रिकी डिमोंटे जी गुड मॉर्निंग, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। यस वी आर लेट, थोड़ा सा FM सर ने एक्स्ट्रा कर दिया था, सो वी आर लेट, बट डोंट वरी, बराबर हम 1 घंटे 2 मिनट पढ़ेंगे, या आपका एक ब्रेक हम खा जाएंगे और डायरेक्टली मैं 11:40 को छोड़ूँ, ऐसा भी हो सकता है, लेट्स सी। चलिए, बट प्रायर टू दैट प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कीजिए सो दैट वी कुड बिगिन। अब बच्चों मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा सेक्शन नंबर 31। कौन सा सेक्शन स्टार्ट करूंगा बच्चों? आई वुड बिगिन विथ यू सेक्शन नंबर 31। सेक्शन 31 जो है, अच्छा जिन लोग जिन बच्चों के पास लाइक अगर आप चाहें तो आज से हम एक नई प्रथा शुरू कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इज आप एक नोटबुक ले लीजिए, नोटबुक भी नहीं है, आप चार पांच सिर्फ चार पांच पेजेस ले लीजिएगा, और उस चार पांच पेजेस में आप सिर्फ सेक्शन लिख जाइए, सेक्शन लिख दीजिए और उसका 2 लाइन लिख दीजिए। तो क्या होगा ना, आपकी एक सेक्शंस की नोटबुक बन जाएगी, सेक्शन के 5 पेजेस बन जाएंगे, जो आपको एग्जाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, तो एक ठीक है, एक हम मतलब सेक्शन हमको याद आ जाएंगे, तो बस एक पेज ले लीजिए और वहां पे लिख लीजिए सेक्शन नंबर 31 किसे डील करता है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। और इसमें एक और इसमें हर एक सेक्शन में क्या करेंगे, एक पंचलाइन लिख देंगे, जिसे जिस पंचलाइन से अपने वो क्या हो जाए, जिस पंचलाइन से अपने को वो पूरा सेक्शन याद हो जाए। क्या है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, अगर मुझे एक लाइन में बताना हो तो, एक प्रोस्पेक्टस जो कितने साल तक वैलिड है, यस प्रोस्पेक्टस वैलिड फॉर 1 ईयर। ठीक है, चलिए बस इतना लिख दीजिए, कहानी खत्म। नाउ कम टू द नोट्स एवरीवन, तो जल्दी से देखिए, तो सेक्शन 31 जो है, प्लीज सी योर सेक्शन 31 तीन सब सेक्शंस में यहां पर डिवाइडेड है। पहला, सबसे पहले सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, प्लीज सी योर द वेरी फर्स्ट थिंग इज गुड मॉर्निंग ऋषिकेश बेटा, गुड मॉर्निंग यश, अच्छा प्रिय रंजन बोल रहे कि सर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो दैट्स रियली ग्रेट। हाँ जी बच्चों, चलिए, तो सेक्शन 30 सबसे पहले, तो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब कहाँ पे बताया गया है, सेक्शन नंबर 31 के एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। तो आप सेक्शन 31 का अगर क्या देखें, एक्सप्लेनेशन देखें, तो यहां पर किसको डिफाइन किया गया है, यहां पे दे हैव डिफाइंड द वर्ड सेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्या होता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर जिन सिक्योरिटीज का विवरण है, जो सिक्योरिटीज मेंशन है, वो सिक्योरिटीज ओवर द पीरियड ऑफ कितना, 1 ईयर तक इश्यू हो सकती है। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोस्पेक्टस, ध्यान से देखना, कई लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टस विच इज वैलिड फॉर 1 ईयर, बट दैट इज इनकम्प्लीट। एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर आप सिक्योरिटीज बता देते हो, क्या बता देते हो, कि 1 साल में हम 5,000 या 50 लाख इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे, या 1 साल में हम 500 करोड़ रुपए के क्या करेंगे, इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे। और आप क्या कर सकते हो इसको, एक बार में या फिर ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर फेजेस में आप क्या कर सकते हो, इश्यू लेके आ सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, ऊपर आ जाएंगे सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, सेल्फ प्रोस्पेक्टस कौन सी कंपनीज इश्यू कर सकती हैं। तो ऐसी कंपनीज इश्यू कर सकती हैं जिनको सेबी क्या करे, स्पेसिफाई करे, वो कंपनीज इश्यू कर सकती हैं जिनको सेबी क्या करे, स्पेसिफाई करे। ठीक है, नाउ उसके बाद बच्चों दूसरा, सेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी कितनी है, 1 ईयर। बट 1 ईयर कहां से शुरू होगा, कई लोग बोलते हैं जिस दिन हमने सेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल किया वहां से, बिल्कुल गलत। सेक्शन में क्लियरली लिखा हुआ है कि 1 ईयर का पीरियड कहां से चालू होगा, जिस दिन आपका फर्स्ट ऑफर क्या हुआ है, ओपन हुआ है, वहां से 1 ईयर तक के लिए वैलिड होगा।
नाउ सेक्शन नंबर 31 का सब सेक्शन 2 क्या बोलता है कि जिस कंपनी ने क्या किया है, शेल प्रोस्पेक्टस फाइल किया है और मान लीजिए फर्स्ट ऑफर और जो अगला ऑफर है, फर्स्ट ऑफर सेकंड ऑफर या सेकंड से थर्ड के बीच में अगर क्या हो रहा है, कंपनी ने कोई नए एसेट्स के ऊपर क्या क्रिएट किया है, चार्ज क्रिएट किया है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में क्या हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, तो कंपनी को वो बताना होता है किसके माध्यम से, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के माध्यम से, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया, जिस कंपनी ने क्या इश्यू किया है, जिस कंपनी ने शेल्फ प्रोस्पेक्टस इश्यू किया है तो पहला जो ऑफर लेके आओगे वो तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस के थ्रू लेके आ जाओगे, लेकिन जब दूसरा ऑफर लेके आओगे तो क्या करना है, क्या करना है बच्चे, दूसरे प्रोस्पेक्टस में आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इज नथिंग, एक पेपर पे क्या करना है आपको, सिर्फ बताना है कि भाई पिछली बार जो प्रोस्पेक्टस फाइल किया था और अभी जो प्रोस्पेक्टस फाइल किया उसमें क्या क्या, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं। उसके बाद बच्चों, उसके बाद क्या बोल रहे हैं बच्चों, अच्छा ऐसे कई लोग होंगे जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिन्होंने क्या किया होगा, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करने के पहले ही क्या कर दिया होगा, आपकी कंपनी को 500 करोड़ का चेक देके गए होंगे कि भाई तुम्हारे अगले इश्यू में, तुम्हारे शेल प्रोस्पेक्टस के अंदर जो तुम्हारा सब्सिक्वेंट इश्यू आ रहा है उसमें जितने भी तुम शेयर इश्यू कर रहे हो 500 करोड़ के शेयर मुझे दे दो। लेकिन उसने कब दे दिया, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इश्यू करने के पहले, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इश्यू करने के पहले व्हाट हैज ही डन, उसने आपको 500 करोड़ का क्या दे दिया, चेक दे दिया। अपन को क्या बोलेंगे बच्चों, अपन को क्या करना है, अपन उसको एक मौका देंगे, अपन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इश्यू होने के बाद अपन उसको एक नोटिस भेजेंगे और बोलेंगे कि दोस्त ये इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम हमने क्या किया है, इश्यू किया है, देख ले, तेरे को अगर रिफंड चाहिए तो हम रिफंड कर देंगे, और अगर वो रिफंड मांगता है तो जिस दिन उसने रिफंड मांगा उसके कितने दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर हमको रिफंड देना है। और सेक्शन नंबर 31 सब सेक्शन 3 बोलता है फर्स्ट ऑफर में नहीं, सबसीक्वेंट ऑफर में, कौन से ऑफर में, सबसीक्वेंट ऑफर में शेल्फ प्रोस्पेक्टस प्लस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, इन दोनों को मिला दो तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, प्रोस्पेक्टस बन जाएंगे, दोनों का स्टेटस क्या आ जाएगा, प्रोस्पेक्टस। उसके बाद यहाँ के इसके साथ में कौन सा रूल है बच्चों, इस सेक्शन के साथ में देयर इज रूल नंबर 10, इस सेक्शन के साथ में क्या है बच्चों, देयर इज रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या बोलता है, यस रूल नंबर 2 बोलता है कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस का, सॉरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम का जो फॉर्म होगा दैट विल बी इन PS2, और दूसरा आपको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल कब करना है, यस वेरी नाइस बच्चों, मतलब आप जिस दिन शेल्फ प्रोस्पेक्टस, सॉरी जिस दिन आप इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करेंगे उसके कितने महीने के अंदर, एक महीने के अंदर आपको क्या लेके आना है, सबसिक्वेंट इशू, मतलब सब्सिक्वेंट इश्यू के वन मंथ या विद इन वन मंथ प्रायर टू सब्सिक्वेंट इश्यू आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना है। लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसका एकदम सिंपल इंटरप्रिटेशन क्या है, जिस दिन आपने इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल किया उसके कितने महीने के अंदर, एक महीने के अंदर आपको क्या लेके आना है, सब्सिक्वेंट इश्यू अंडर शेल्फ प्रोस्पेक्टस लेके आना है। सो ये हो गया हमारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट। और अगला जो कंसेप्ट है दैट इज ऑन अबाउट बेटा, अगला जो कंसेप्ट है दैट इज ऑन सेक्शन नंबर 32। सेक्शन 32 डील करता है किसके किसके बच्चों, इट डील्स विथ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, और बहुत प्यारा सेक्शन है बच्चों। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है बच्चों, अगेन सिंपल सी चीज है, सेक्शन नंबर 32, इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 32 के एक्सप्लेनेशन में ही हमने क्या डिफाइन कर रखा है, सेक्शन 32 के एक्सप्लेनेशन में हमने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। सो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर, एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर पूरी जानकारी नहीं है, किस चीज की, क्वांटम, क्वांटम मतलब क्वांटिटी या फिर प्राइस, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, किस किस प्राइस पे आप शेयर इश्यू करोगे इसकी जानकारी नहीं है। और आपको पता होगा तो बेसिकली ये कहाँ पे आता है बच्चों, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा रेगुलर क्लास में, तो बेसिकली जो कौन से इश्यूज होते हैं, बुक बिल्ट पब्लिक इश्यू होते हैं, कौन से पब्लिक इश्यू होते हैं, बुक बिल्ट पब्लिक इश्यू जो होते हैं वहां पर इस प्रोस्पेक्टस का हमें क्या होता है, यूज होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं सेबी के साथ हम क्या करते हैं, एक इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस फाइल करते हैं जिसमें हम क्या बताते हैं, ना ही हम क्या बताते हैं कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू कर रहे हैं, किस प्राइस पे इश्यू कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बताते, बस हम ये बता देते हैं हम कितना अरेंज कर रहे हैं, हमको 2000 करोड़ रुपए पब्लिक से चाहिए, और ये प्रोस्पेक्टस हम सेबी के साथ फाइल कर देते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर्स हमको क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स हमको बिड करते हैं, कोई बोलता है कि भाई मैं तुम्हारी कंपनी मैंने देखी, तुम्हारी कंपनी जबरदस्त है, मैं तुम्हारी कंपनी का एक शेयर 100 रुपये में खरीद लूंगा, कोई बोलता है मैं 200 रुपये में खरीद लूंगा, कोई बोलता है 300 रुपये में, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी कंपनी
बेसिकली सेल्फ प्रोस्पेक्ट सॉरी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के थ्रू तुम्हारी कंपनी को समझ में आता है कि तुम्हारी कंपनी के लिए, तुम्हारी कंपनी के शेयर्स के लिए लोग कितने एक्साइटेड हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा प्राइस पे क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी के शेयर बेच सकते हो। अगर तुमको लगता है कि यार उतनी अच्छी डिमांड नहीं है, इफ़ यू थिंक सो कि यार उतनी अच्छी डिमांड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, कम प्राइस पे भी क्या कर सकते हो, अपनी सिक्योरिटीज़ क्या कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो। तो सेल आरएचपी के थ्रू तुमको क्या समझ में आता है, व्हाट यू कम टू नो, यू कम टू नो अबाउट द डिमांड, यू कम टू नो अबाउट द डिमांड, ठीक है। क्योंकि आप इसमें क्या नहीं बताते, प्राइस और नंबर बताते नहीं हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे कई बच्चे सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 में कंफ्यूज होते हैं। क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, एक कंपनी क्या कर सकती है, व्हाट अ कंपनी कैन डू इज, हाँ जी, कंपनी क्या कर सकती है, प्रोस्पेक्टस फाइल करने के पहले, नाउ व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस फाइल करने के पहले कंपनी क्या कर सकती है, प्रोस्पेक्टस मतलब, एक मिनट, अब आरएचपी का मतलब इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस का मतलब कंप्लीट प्रोस्पेक्टस, जो कहां पे डिफाइंड है, टू क्लॉज 70 में डिफाइंड है। सब कंपनी कंप्लीट प्रोस्पेक्टस फाइल करने के पहले क्या कर सकती है, प्रायर टू फाइलिंग ऑफ कंप्लीट प्रोस्पेक्टस कंपनी क्या कर सकती है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर सकती है आरओसी के साथ, ठीक है। नाउ आरएचपी कब फाइल करना चाहिए आरओसी के साथ बच्चों, बेसिकली पहले अपन सभी के साथ फाइल करते हैं, देन वी फाइल इट विद आरओसी। आरएचपी कब फाइल करना चाहिए आरओसी के साथ, सब्सक्रिप्शन लिस्ट खुलने के कम दिन पहले, 3 दिन पहले, मतलब अगर आपका पब्लिक इश्यू एक्स डेट को खुलेगा तो 1, 2, 3 इस डेट को आप क्या करोगे, अपना आरएचपी फाइल करोगे। और 3 दिन क्या करोगे बच्चों, व्हाट विल डू फॉर 3 डेज, बच्चों कहना इसे 3 दिन हो सकता है, आप क्या करो, डिमांड चेक करो, आप क्या करो, डिमांड चेक, बट आइडली डिमांड तो आप पहले ही चेक कर चुके होते हो जब आप क्या करते हो, सेबी के साथ फाइल करते हो। उसके बाद अब ये मत सोचना कि आरएचपी अलग है, नहीं, अगर आपको सेक्शन 2 क्लॉज 70 के अंदर प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, तो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में क्या है, डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एज प्रोस्पेक्टस या इश्यूड एज प्रोस्पेक्टस, यस, एंड इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड सेल प्रोस्पेक्टस। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि आरएचपी इनकम्प्लीट है तो उसमें आपने कोई जानकारी डाली कोई नहीं डाली, नहीं, आरएचपी के अंदर सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी की डिटेल्स नहीं होंगी, बाकी वो सारे ऑब्लिगेशन होंगे, जो ऑब्लिगेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, प्रोस्पेक्टस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अच्छा, और आरएचपी और फुल प्रोस्पेक्टस जो आप फाइल करोगे उसमें अगर क्या है कुछ डिफरेंसेस हैं, क्या है कुछ, तो आपको क्या करना है, उन डिफरेंसेस को हाईलाइट करना है। और उसके बाद जैसे ही आपका पब्लिक इश्यू क्या हो गया, खत्म हो गया, पब्लिक इशू खत्म हो गया, मतलब आप पब्लिक इशू कैसे लेके आए, प्रोस्पेक्टस के थ्रू, आरएचपी के थ्रू, आरएचपी के थ्रू अपन पब्लिक इशू लेके आए, अपन ने पब्लिक को ही मौका दिया कि वो डिसाइड करे किस प्राइस पे इसको शेयर खरीदें, पूरा अपना इश्यू क्या हो गया, अपना पूरा इश्यू खत्म हो गया, अपन ने शेयर्स अलॉट कर दिए, प्राइस अपना फिक्स हो गया, नंबर ऑफ शेयर भी क्या हो गए, फिक्स हो गए, सब कुछ खत्म होने के बाद अपने को क्या करना है बच्चों, यस, अपने को फुल प्रोस्पेक्टस फाइल करना है, जो डिटेल प्राइस और क्वांटिटी की डिटेल अपन ने शुरू में आरओसी को नहीं दी थी, वो सारी डिटेल हमको क्या करना है, आरओसी को देना है। तो ये अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हो गया, डेफिनेशन एकदम सिंपल है, क्या है, एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जो क्या नहीं करता, यस, एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जो क्या नहीं करता, एग्जैक्टली बच्चों, प्राइस या फिर क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज की जानकारी फुल पर्टिकुलर्स नहीं देता। नाउ ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेल प्रोस्पेक्टस एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। बच्चों शेल प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है, पहले तो मैंने नॉर्मल डेफिनेशन लिख दी, क्या कि शेल प्रोस्पेक्टस क्या है, जो फर्स्ट ऑफर से लेके कितने साल तक वैलिड रहता है, 1 साल तक। आरएचपी के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, आरएचपी तो बच्चों उसी पर्टिकुलर इश्यू के लिए वैलिड रहता है, सेक्शन 31 में कवर्ड है, सेक्शन 32 में वैलिड फॉर 1 ईयर, कोई प्रोविजन नहीं है। जब फर्दर इश्यू लेके आते हैं तो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना होता है, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। शेल प्रोस्पेक्टस कौन सी कंपनी फाइल कर सकती है, सारी कंपनीज या स्पेसिफाइड कंपनी, सेबी के साथ स्पेसिफाइड कंपनी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सारी कंपनी, जो भी क्या कंपनी क्या लेके आ रही है, पब्लिक इश्यू लेके आ रही है। इट्स अ स्पेसिफिक कंसेप्ट एंड इट्स अ जनरल कंसेप्ट, स्पेसिफिक क्यों, क्योंकि सेबी के द्वारा स्पेसिफाइड कंपनीज ही सेल प्रोस्पेक्टस लेके आती हैं, ठीक है। चलिए नाउ आई विल स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 33। अब बच्चों मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा कौन सेक्शन, सेक्शन नंबर 33। सेक्शन 33 क्या बोलते हैं बच्चों, इश्यू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, और ये सेक्शन भी एक प्रकार से आप मान के चलिए इट्स अ बोनस, इट्स अ बोनस, क्यों बोनस है, हाँ जी, इश्यू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म मतलब, अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं, आप तो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए। तो बच्चों सेक्शन 33 ये बोलता है कि जब भी आप क्या करते हैं, जब भी एक कंपनी पब्लिक ऑफर लेके आती है
और पब्लिक ऑफर के साथ कंपनी क्या इश्यू करती है, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म इश्यू करती है। पब्लिक ऑफर के लिए कंपनी क्या करती है, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म, ऑब्वियसली जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, यस जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, कंपनी के शेयर्स के लिए क्या करेंगे बच्चों, अप्लाई करेंगे। क्या करना है, सिंपल है बच्चों, उन शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको क्या करना है, उन एप्लीकेशन के साथ आपको क्या लगाना है, एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस लगाना है। क्या लगाना है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 1 में एवरेज प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया, एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जो सेलियंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या करता है, कंटेन करता है। सेलियंट फीचर्स क्या है, ये अपने को सेबी बताएगा, ठीक है। सो कुछ नहीं बच्चों, बहुत सिंपल है। सो कोई भी शेयर एप्लीकेशन फॉर्म तब तक आप इश्यू नहीं करोगे जब तक शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने क्या नहीं लगाया है, ब्रीच प्रोस्पेक्टस लगाया नहीं है। यस और नो बच्चों? अच्छा, लेकिन अगर आप शेयर्स किसको अलॉट कर रहे हो, अगर आप शेयर्स अंडरराइटर्स को अलॉट कर रहे हो या फिर आप शेयर्स पब्लिक को इश्यू नहीं कर रहे हो, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म अब्रीच प्रोस्पेक्टस के बिना भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद अब बच्चों ऐसा नहीं है कि आपने अब्रीच प्रोस्पेक्टस इश्यू किया तो इन्वेस्टर को पूरा प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। आपने एप्लीकेशन के साथ अब्रीच प्रोस्पेक्टस दे दिया, बट कोई इन्वेस्टर बोलता है कि नहीं मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट टू रीड फुल प्रोस्पेक्टस, मुझे क्या चाहिए, मुझे पूरा प्रोस्पेक्टस चाहिए, मैं पूरे प्रोस्पेक्टस को देख के पढ़ना चाहूंगा, तो कंपनी को क्या करना है, कंपनी को उसको फुल प्रोस्पेक्टस क्या करना है, प्रोवाइड करना है। और अगर कंपनी ने इस प्रोविजन को कंप्लाई करने में डिफॉल्ट किया तो पेनल्टी कितनी लग जाएगी बच्चों, 50,000 रुपये। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है सेक्शन 33? नाउ आई कम टू सेक्शन नंबर 34। 34 क्या है बच्चों? यस बच्चों, 34 से लेके लगभग 38 तक के जो सेक्शन है, कहाँ से लेके, सेक्शन नंबर 34 से लेके सेक्शन नंबर 38 तक के जो सेक्शन है, दे आर बेसिकली व्हाट बेटा, दे आर बेसिकली लाइबिलिटीज, दे आर बेसिकली वॉट बेटा, लाइबिलिटीज। अगर आप प्रोस्पेक्टस में गड़बड़ करते हो, अगर आप पब्लिक इश्यू में गड़बड़ करते हो, अगर आप गलत तरीके से लोगों को क्या करते हो, सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए क्या करते हो, कन्विंस करते हो, तो ये सारी लाइबिलिटीज का जिक्र कहाँ पे है, सेक्शन नंबर 34 से लेके सेक्शन नंबर 38 में, 38 तक। ये अपने सिलेबस का पार्ट डायरेक्टली नहीं है, मतलब बहुत एक दो तीन लाइन में ही इसको खत्म कर दिया गया अपने सिलेबस में, बट हम इसको फिर भी क्या करेंगे, काफी अच्छे से हम पढ़ेंगे, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आईसीएसआई ने एग्जाम में पूछ दिया तो अपने पास कुछ तो हो बोलने के लिए। सेक्शन 34 बोलता है क्या बच्चों? यस बच्चों, 1 मिनट। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई अनट्रू या फिर मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसको जिसे पब्लिक क्या हो जाए, मिसलीड हो जाए, पब्लिक क्या हो जाए, मिसलीड हो जाए, जितने भी लोगों ने प्रोस्पेक्टस का इश्यू करना ऑथराइज किया है, दे विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 447। 447 क्या है, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। जितने लोगों ने प्रोस्पेक्टस को क्या किया, ऑथराइज किया, ऑथराइज मतलब जितने लोगों का भी प्रोस्पेक्टस में आपको क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है, ये सारे लोग क्रिमिनली लाइबल होंगे। तो पहली लाइबिलिटी क्या है, हाँ लेकिन अगर ये क्या प्रूफ कर दें, ओए अगर ये लोग क्या प्रूफ कर दें, अगर ये लोग प्रूफ कर दें कि सर हाँ प्रोस्पेक्टस में क्या है, वो जो स्टेटमेंट है वो गलत था, बट मैं उस स्टेटमेंट को क्या मान रहा था, आई वॉज बिलीविंग दैट स्टेटमेंट टू बी ट्रू, मतलब मैंने जानबूझ के गलती नहीं की। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भाषा में बोलूँ तो हमने फ्रॉड नहीं किया, हमने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है। क्या क्या किया है, मतलब जो झूठा स्टेटमेंट था हम उसको क्या मान रहे थे, रीजनेबल बिलीव था हमारे पास कि वो स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो ये लोग बच जाएंगे, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आएगी। अदरवाइज ये लोग क्या होंगे बच्चों, अदरवाइज दीज ऑल, जितने लोगों ने भी प्रोस्पेक्टस के इश्यू को ऑथराइज किया, दे वुड बी क्रिमिनली लाइबल। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? और जब मैं क्रिमिनली लाइबल बोलूँ तो इनका कौन से सेक्शन के अंदर कटेगा, 447 के अंदर इनका जबरदस्त तरीके से कट जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 35। 35 इज डिसेंट। क्या है बच्चों? अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूँ, कई बच्चे एग्जाम्पल पूछते हैं सर मिस स्टेटमेंट क्या हो सकता है। बच्चों एक कंपनी डिविडेंड दे रही थी, एक कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में बताया कि हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्होंने डिविडेंड क्या किया है, कैपिटल प्रॉफिट से डिक्लेयर किया है। कैपिटल प्रॉफिट मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज करके कंपनी ने क्या पे किया है, डिविडेंड। उन्होंने क्या कर दिया, ऑमिट कर दिया। व्हाट डिड दे डू इज दे ऑमिटेड। अगर आपने डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट से दिया तो आपको बताना चाहिए, क्योंकि आपने लिख दिया डिविडेंड है तो लोग क्या सोचेंगे कि वो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से दिया है आपने, तो उसको क्या माना गया था, मिस स्टेटमेंट माना गया था। क्या मांगा गया, माना गया था बच्चों, मिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज सिविल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी से ज्यादा डेंजर कौन सी लाइबिलिटी लगती है मुझे, सिविल। सिविल क्या है बच्चों, यहाँ पे जेल जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कॉमन। सिविल लाइबिलिटी क्या होती है, डैमेजेस पे करो, पेनल्टीज पे करो। ध्यान देखिए बच्चों, बच्चों अगर किसी इंसान ने, अगर किसी इंसान ने, अगर किसी इंसान ने
कंपनी के शेयर्स को क्या किया है, कंपनी की सिक्योरिटीज को क्या किया है, सब्सक्राइब किया है। लिसन टू मी, किसी इंसान ने कंपनी की सिक्योरिटीज को क्या किया है, सब्सक्राइब किया है ऑन बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। जो स्टेटमेंट आगे जाके क्या हो गया, मिसस्टेटमेंट हो गया, या फिर प्रोस्पेक्टस में कुछ तो ओमिशन था। क्या था, कुछ तो ओमिशन था, जो जो क्या हो गया बच्चों, जिसको ओमिट करना क्या बन गया बच्चों, इट बिकेम मिसस्टेटमेंट, और लोग उससे क्या हुए, मिसलेड हुए। तो या तो आपने क्या किया, कुछ झूठा, आपने क्या रहा बच्चे प्रोस्पेक्टस में, कुछ झूठा या फिर कुछ छूटा, या तो कुछ झूठा है या फिर कुछ छूटा है। तो और जिसके चलते क्या हुआ, इन्वेस्टर क्या हुआ, मिसलीड हुआ। कौन सा इन्वेस्टर, दुनिया का हर इन्वेस्टर, या जिसने प्रोस्पेक्टस पढ़ के इन्वेस्ट किया है, प्रोस्पेक्टस पढ़ के इन्वेस्ट किया है। बच्चों क्या कर सकते हैं, बच्चों क्या मांग सकते हैं वो कंपनी से, उसको अगर नुकसान हुआ है तो क्या मांग सकते हैं, डैमेज मांग सकता है। किससे बच्चों, कंपनी से, या फिर किससे बच्चों, डायरेक्टर, या फिर किससे, उस इंसान से, उस इंसान से जिसने क्या किया है बच्चों, जिस इंसान ने अपना नाम दिया है कि भाई मेरा नाम क्या कर दो, इंक्लूड कर दो प्रोस्पेक्टस में एज अ डायरेक्टर, या फिर प्रमोटर, या फिर ऑथराइज द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मतलब डायरेक्टर प्रमोटर के अलावा भी कोई इंसान है जिसने क्या किया है, ऑथराइज किया कि आप प्रोस्पेक्टस क्या कर दीजिए, इश्यू कर दीजिए। एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं, अच्छा एक्सपर्ट को अलग से ही हमने क्या कर दिया है, कवर कर दिया। ये सारे लोग क्या होंगे बच्चों, लायबल होंगे किनको देने के लिए, उन सारे लोगों को कॉम्पनसेशन देने के लिए जिन लोगों को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो याद रखना, एक मिनट, कॉम्पनसेशन सिर्फ किसको मिलेगा, उन लोगों को कॉम्पनसेशन मिलेगा जिन लोगों ने प्रोस्पेक्टस पढ़ के इन्वेस्ट किया था। मतलब अगर आपने स्टॉक मार्केट से किसी कंपनी के शेयर खरीदे और कुछ गड़बड़ हुआ, नहीं। कब बच्चों, जब आपने क्या पढ़ के इन्वेस्ट किया है, प्रोस्पेक्टस पढ़ के इन्वेस्ट किया है, ठीक है। नाउ तो ये सारे लोग लायबल होंगे, लेकिन बच्चों ये सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर इन सारे लोगों ने कुछ चीजें प्रूफ कर दी तो ये सारे लोगों की लायबिलिटी नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर, डायरेक्टर क्या बोल सकता है, डायरेक्टर ये बोल सकता है बच्चों कि मैंने मैंने क्या दिया था, मैंने डायरेक्टर बनने के लिए क्या दिया था, कंसेंट दिया था, मैंने अपने नाम को इंक्लूड करने के लिए कंसेंट दिया था, बट जैसे ही मुझे पता चला कि प्रोस्पेक्टस में क्या है, मिसस्टेटमेंट है, मैंने अपना कंसेंट क्या कर लिया, मैंने अपना कंसेंट क्या कर लिया, विथड्रॉ कर लिया। दूसरा प्रोस्पेक्टस इश्यू होने के पहले मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी डायरेक्टरशिप से क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था, और मेरी जानकारी के बिना मेरा नाम कहां पे इंक्लूड किया गया, प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड किया गया। तो भी क्या होगा बच्चों, ओए तो भी क्या होगा, वो डायरेक्टर बच सकता है। अब ये जो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, ये जो डायरेक्टर्स हैं, एक और चीज बोल सकते हैं, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक डायरेक्टर बोल सकता है या फिर कोई एक्सपर्ट भी फंस रहा है। एक्सपर्ट कौन है, इट्स एन ही कैन बी एन इंजीनियर, ही कैन बी अ वैल्यूअर, जो अपना ओपिनियन कहां पे देता है, पब्लिक इश्यू में देता है। एक्सपर्ट क्या बोल के बच सकता है या डायरेक्टर क्या बोल के बच सकते हैं कि हमने अपना ओपिनियन, हमने प्रोस्पेक्टस में जो स्टेटमेंट दिया था, हमने जो प्रोस्पेक्टस में क्या दिया था, वो किसी रीजनेबल रिपोर्ट के आधार पे दिया था, रिसर्च के आधार पे दिया था, लेकिन वो रिसर्च ही क्या निकल गई, झूठी निकल गई। फॉर एग्जाम्पल वो डायरेक्टर बोल सकता है कि हमारी रियल एस्टेट कंपनी का आईपीओ था, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे देखा था कि आने वाले टाइम पे 1,000,000 घरों की जरूरत पड़ेगी, तो ये स्टेटमेंट हमने कहाँ डाल दिया, प्रोस्पेक्टस में डाल दिया कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखा कि 10,000,000 घरों की जरूरत पड़ेगी, हमारी कंपनी रियल एस्टेट कंपनी है, तो आप हमारी कंपनी के शेयर बिंदास खरीदिए, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर क्या करेगा, ग्रो करेगा। लेकिन दो दिन के बाद हमने जैसे ही स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में डाला, गवर्नमेंट ने इस स्टेटमेंट को अपनी वेबसाइट से क्या कर दिया, हटा दिया, और ये क्या बन गया, मिसस्टेटमेंट बन गया। तो क्या इनको प्रोटेक्शन मिल सकती है, यस, क्योंकि इंटेंशन इनकी खराब नहीं है। ये चीज भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? अरे हाँ या ना। चलिए बच्चों, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। नाउ अच्छा, सबसेक्शन 3 क्या बोलते हैं, ऊपर भले ही कुछ भी लिखा है, लेकिन अगर ये साबित हो गया, क्या साबित हो गया, कि कंपनी ने फ्रॉडुलेंट मोटिव के साथ प्रोस्पेक्टस इश्यू किया था, भले ही सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 में जो भी लिखा है, बट अगर ये साबित हो जाता है कि कंपनी ने कैसे प्रोस्पेक्टस इश्यू किया था, फ्रॉडलेंट मोटिव के साथ प्रोस्पेक्टस इश्यू किया था, तो जो लाइबिलिटी आपकी सेक्शन 34 में आ रही, क्रिमिनल लाइबिलिटी, उसको प्रेजुडाइज किए बिना, उसको नुकसान पहुंचाए बिना,
क्या करना पड़ेगा, कॉम्पनसेट करना पड़ेगा हर इंसान को जिसको कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करके क्या हुआ है, लॉस हुआ है। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, सेक्शन 36। व्हाट इज सेक्शन 36? पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग persons to invest money, section 36। इन sections को छोड़ के मत जाना, ये section exam में खुदा ना खास्ता पूछ लिए तो कोई इसके answer नहीं लिख पाता। Section 36 is punishment for fraudulently inducing a person to invest money। कहने का मतलब क्या है, किस चीज के लिए सजा? Fraudulently मतलब धोखे से, inducing का मतलब convince करना, किस चीज के लिए convince करना, invest money मतलब क्या कर रहे हो उससे, तुम किसी इंसान को गलत जानकारी, जैसे प्रोस्पेक्टस इश्यू करना, तुमने प्रोस्पेक्टस में झूठी जानकारी दी, एकदम बढ़िया बटरिंग स्टेटमेंट दिए कि तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा, कंपनी शानदार है, क्या कर रहे हो झूठे स्टेटमेंट से, आप लोगों को क्या कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो। तो ये भी यहां पे मतलब प्रोस्पेक्टस में अगर तुमने गलतियां की है तो इस सेक्शन के अंदर भी तुमको क्या हो सकती, सजा हो सकती। ध्यान देखो, इसके अंदर कोई सबसेक्शन नहीं है, डायरेक्टली पैरा ही है और क्लॉजेज है। तो बच्चों, कोई इंसान जानबूझकर गैर जिम्मेदारी से क्या करता है, स्टेटमेंट देता है, वादा करता है, अंदाजा लगाता है जो क्या है, फॉल्स है, धोखाधड़ी करने वाला है, मिसलीड करने वाला है, या फिर जानबूझ के कोई इंफॉर्मेशन क्या करता है, छुपाता है। क्यों? कोई इंसान धोखा देता है, झूठे स्टेटमेंट बोलता है, इंफॉर्मेशन को छुपाता है, और ये सब क्यों कर रहे हैं? नंबर वन, किसी इंसान से, किसी इंसान को अग्रीमेंट में एंटर करवाने के लिए, किस अग्रीमेंट में, अक्वायर, सब्सक्राइब, डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ मतलब अपने शेयर उसको चिपकाने के लिए, बेचने के लिए, मतलब यू आर कन्विंसिंग सम पर्सन टू अक्वायर, सब्सक्राइब, परचेज शेयर्स इन द कंपनी। दूसरा आप उसको क्या कर रहे हो बच्चों, यस आप उसको क्या कर रहे हो बच्चों, आप उसको इन्वेस्ट करवा रहे हो ये बोल के कि तो उसको क्या होगा, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके यील्ड प्रॉफिट मिलेगा। और तीसरा बच्चों, झूठी जानकारी देके आप बैंक से क्या ले रहे हो, लोन ले रहे हो, मतलब आपके शेयर हैं बिल्कुल फालतू शेयर्स हैं, आपने बैंक को बोला नहीं ये तो करोड़ों रुपए के शेयर्स हैं, गलत सलत वैल्यूएशन करवा के आपने बैंक से क्या ले लिया, लोन ले लिया शेयर्स को क्या करके, प्लेच करके। अगर तुमने ये सारी हरकतें की हैं तो तुम्हारा कौन से सेक्शन के अंदर कटेगा, 447 के अंदर कटेगा। तो पेनल्टी फॉर फ्रॉड या पनिशमेंट फॉर फ्रॉडलेंटली इंड्यूसिंग अ मनी, तो तुम किसी को कन्विंस कर रहे हो शेयर खरीदने के लिए, तुम किसी को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए पैसा कन्विंस कर रहे हो, या बैंक्स को कन्विंस कर रहे हो क्या करने के लिए, लोन देने के लिए झूठे स्टेटमेंट्स के आधार पे, तो यू विल बी, आपके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाएगा दैट विल बी टेकन अंडर सेक्शन नंबर 447, सेक्शन 36। सेक्शन 37 बेसिकली क्लास एक्शन के बारे में बात करता है, किसके बारे में बात करता है, इसका जिक्र सेक्शन 245 में भी है बच्चों। सो क्लास एक्शन क्या है बच्चों, इधर देखो, ये बोल रहे हैं 34, 35 और 36। 34 क्या है, क्रिमिनल लाइबिलिटी, 35 क्या है, सिविल लाइबिलिटी, और 36 क्या है, फ्रॉडलेंट। कहीं ना कहीं तीनों ऑफेंस प्रोस्पेक्टस से रिलेट करते हैं, 36 वाला तो प्रोस्पेक्टस के अलावा भी रिलेट करता है बट प्रोस्पेक्टस भी है। तो बच्चों, ये तीनों जगहों पे जब आप किसी को बेवकूफ बनाओगे तो अफेक्ट कौन होगा, एक आध इंसान होंगे, देयर वुड बी लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु वुड बी अफेक्टेड। अगर प्रोस्पेक्टस में गलत जानकारी देके मैं लोगों को कन्विंस करता हूं कि आप मेरी कंपनी के शेयर्स में क्या करिए, इन्वेस्ट कीजिए, तो मुझे बताइए हु वुड बी अफेक्टेड क्लास ऑफ पर्सन, देयर वुड बी लार्ज पीपल ना, बहुत सारे लोग होंगे। तो ये सारे लोग इंडिविजुअली सूट फाइल कर सकते हैं, एक इकट्ठा केस फाइल कर सकते हैं, 447 के अंदर क्रिमिनल कोर्ट जाएंगे ये लोग। तो ये सारे लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ग्रुप ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये सब क्या कर सकते हैं, एक साथ क्लास एक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। सेक्शन 38 क्या है बच्चों, पर्सोनेशन। पर्सोनेशन इज बेसिकली बच्चों, ये सजा हम किसको दे रहे हैं पर्सोनेशन वाली, पर्सोनेशन में बेसिकली प्रॉब्लम होती है आइडेंटिटी की, कि आप जैसे फेक कंपनी अपना पब्लिक इश्यू लेके आ रही है, तुम फेक नाम पे शेयर्स के लिए अप्लाई करो, आपको पता है ना फेक नाम पे शेयर्स के लिए क्या करना, अप्लाई करना। कई लोग ऐसा करते हैं, अपने नौकर के नाम पे डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, क्यों, क्योंकि कंपनी को आईपीओ में तुमको सस्ते रेट पे शेयर मिलते हैं, और फर्स्ट डे जब कंपनी लिस्ट होती है तो शेयर का प्राइस बहुत भागता है, तो उसमें बहुत गेन मिलता है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, कोई भी बंदा जो क्या करता है फिक्टिशियस नाम पे, कोई भी बंदा जो क्या करता है बच्चों फिक्टिशियस नाम पे शेयर्स के लिए क्या करता है, अप्लाई करता है। फिक्टिशियस नाम मतलब फर्जी नाम, जाली नाम, जाली नाम मतलब आप किसी ऐसे बंदे के नाम पे अप्लाई कर रहे हो कि उस बेचारे को पता ही नहीं कि उसके नाम पे शेयर्स के लिए क्या हुआ है, अप्लाई हुआ है। जो बंदा करता है या अबेट करता है, अबेट करना मतलब एनकरेज करता है, किस चीज़ के लिए,
मल्टीपल एप्लीकेशंस देता है इन डिफरेंट नेम और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम। हालांकि अब ये पॉसिबल नहीं है मोदी जी के बाद। तो एक बंदा आईपीओ में शेयर्स लेने के लिए क्या करता है, अलग अलग नाम पे अप्लाई करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम। दुष्यंत जैन एक अप्लाई एप्लीकेशन, डी जैन दूसरा एप्लीकेशन, जैन दुष्यंत तीन एप्लीकेशन। ये सब नो, हालांकि अब ये पॉसिबल नहीं है बट लोग कर सकते हैं। तो पहले तो करते थे आईपीओ में लेने के लिए। या फिर क्या करता है बच्चों, ओए कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कन्विंस करता है क्या करने के लिए, अलॉट करने के लिए, या फिर शेयर उसके नाम पे क्या करने के लिए, देने के लिए, या फिर फिक्टिशियस नाम पे शेयर अलॉट करने के लिए। इनडायरेक्टली कंपनी को क्या करता है, कन्विंस करता है। यस और नो बच्चों? अरे हाँ, है ना, क्या होगा बच्चों इस इंसान के साथ क्या करेंगे बच्चों, एक मिनट। यस, सबसे पहला बच्चों तो कंपनी को क्या करना है, तो सबसे पहले तो ये इंसान 447 के अंदर निपट जाएगा। कंपनी को ये जो सेक्शन है 38 सबसेक्शन 1, अपने प्रोस्पेक्टस में बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए। क्या कि फर्जी नाम पे कोई अप्लाई करे, मल्टीपल एप्लीकेशंस दे, कंपनी को कन्विंस करे शेयर्स अलॉट करने के लिए, तो भाई 447 के अंदर उसका कटेगा। और दूसरा, जो भी तुमने पैसे कमाए हैं ये सब फर्जी नाम पे अप्लाई करके, जो भी तुमने प्रॉफिट कमाया है, ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इस प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, डिसगॉर्ज कर सकते हैं। डिसगॉर्ज कर सकते हैं मतलब छीन सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। और ये जो पैसा जो भी डिसगॉर्ज किया ये कहाँ पे जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? चलिए जल्दी से अपने वो जो अपनी सेक्शन वाली शीट थी वहां पे लिख लो क्या क्या है। जल्दी जल्दी जल्दी, सेक्शन 32 आरएचपी, उसके बगल में एक लाइन में लिख दो, डज नॉट इंक्लूड फुल पर्टिकुलर ऑफ व्हाट बेटा, प्राइस और क्वांटिटी। सेक्शन 33 क्या है, एप्लीकेशन विथ अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 34 क्या है, क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट। सेक्शन 35 क्या है, सिविल लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड डिफेंस। डिफेंस भी लिखना, सबसेक्शन 2 में क्या है, डिफेंस है कि अगर आप फंस रहे हो तो क्या क्या बोल के आप बच सकते हो। ठीक है, सेक्शन 36 फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग अ पर्सन, फ्रॉडुलेंटली कन्विंसिंग लिख देना, कन्विंसिंग अ पर्सन टू इन्वेस्ट। 37 क्लास एक्शन बाय, क्लास एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन। यस, सेक्शन 38 पर्सोनेशन किस लिए कर रहे हो तुम, बेचने के लिए या खरीदने के लिए, अक्वायर करने के लिए। ठीक है, पर्सोनेशन फॉर अक्वायरिंग शेयर्स या सिक्योरिटीज। ठीक है, सेक्शन 39 अलॉटमेंट, चलो आ जाएंगे। और इसके बगल में लिखना PS3। चलिए बच्चों, तो अपनी सेक्शंस की एक नोटबुक, अपन सेक्शन याद करने का एक और तरीका फॉलो करेंगे। पोकेमैन यूनिवर्स इज आस्किंग कि सर आप CSET पढ़ा रहे हो या एग्जीक्यूटिव पढ़ा रहे हो? CSET का है बेटा, थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन पढ़ा रहा हूँ, CSET को डीप में पढ़ा रहा हूँ। मेरी हमेशा से इच्छा थी, बचपन से सपना था कि एक दिन मैं CSET को कंपनी लो बहुत डीप में पढ़ाऊँ। तो आप लोगों की कृपा से मुझे आज वो सपना पूरा करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, 39। यस प्लीज सी, 39 इज इम्पॉर्टेंट सेक्शन। और बहुत सारे बच्चे जो जो मुझसे पूछते हैं अमेंडमेंट्स के बारे में,
मैं उनको अमेंडमेंट भी बता दूं कि इस सेक्शन में क्या है अमेंडमेंट है. हालांकि कंपनी लॉ अमेंडमेंट का लेक्चर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में डाला हुआ है, बट यस यहाँ पर क्या है बच्चों, एक अमेंडमेंट भी है यहाँ पर. ठीक है, चलिए लेट्स सी. चलिए तो कम टू सेक्शन नंबर 39, और 39 को आप किसके साथ पढ़ेंगे, रूल 11 एंड रूल 12 ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2014 के साथ आप ये सेक्शन पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए बच्चों, सो वी वुड बिगिन. ध्यान से सेक्शन 39 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, जब तक क्या नहीं मिल जाए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिल जाए, और जब तक क्या ना मिल जाए, अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस बोल दो मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन और मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू ना मिल जाए तब तक कंपनी क्या नहीं कर सकती, अलॉट नहीं कर सकती. यहाँ पे सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 बोलता है कि मिनिमम जो एप्लीकेशन वैल्यू है वो क्या है, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू का कितना परसेंट, 5%. ठीक है, हालांकि यहाँ पर या सच अदर परसेंट एज स्पेसिफाइड बाय सेबी, तो सेबी ने ICDR में क्या बताया, जो आपका इश्यू प्राइस होता है उसका 25% इज व्हाट बेटा, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, कम से कम इतना आपको अप्लाई, उतने पैसे आपको एप्लीकेशन में देने हैं. उसके बाद अगर आपको क्या नहीं मिलता, सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, एंड ये भले यहाँ पे एंड लिखा है बट इट शुड बी एक्चुअली और, अगर आपको क्या नहीं मिलता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता या फिर मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू नहीं मिलती, तो कितने के अंदर बच्चों, जिस डेट को आपने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया है उसके कितने के अंदर, 30 डेज के अंदर आपको पैसे क्या करने हैं, जो भी एप्लीकेशन मनी आपको मिली है वो आपको क्या करनी है, अनबंड संड करना है, रिफंड, यस और नो. तो बच्चों ये यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते. तो पहला पॉइंट क्या, रिफंड कब करना है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. ठीक है, उसके बाद जब भी कंपनी क्या करती है, अलॉट करती है, जब भी कंपनी क्या करती है, सिक्योरिटीज, जब भी कंपनी सिक्योरिटीज को क्या करती है, अलॉट करती है, उसको क्या करना है, उसको ROC के साथ क्या फाइल करना है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना है. व्हाट इज रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अलॉटमेंट. रिटर्न का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन. और 39 सबसेक्शन 5 इज व्हाट बेटा, पनिशमेंट. चलिए अब नाउ कम टू रूल 11. रूल 11 किसे डील करता है बच्चों, रूल 11 डील करता है किसे बच्चों, रिफंड. चलिए देखते हैं रिफंड के बारे में क्या बोलते हैं अपना रूल 11. हाँ जी, ऊपर क्या पढ़ा था अपने, रिफंड कब करना है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. यहां पर कहा गया है रूल 11 का सब रूल 1 बोलता है कि अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला एंड क्या नहीं मिला, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, तो मैंने इसको कहा कि इस एंड को अपन कैसे इंटरप्रेट करें, और तो कंपनी को क्या कितने के अंदर रिफंड करना है, देखो अगर कंपनी ने 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इश्यू के अंदर रिफंड नहीं किया, तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु आर व्हाट बेटा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, इनको क्या पे करना पड़ेगा बच्चों, 15% ब्याज के साथ पे करना पड़ेगा. तो रिफंड कितने के अंदर करना है, जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया वहां से कितने दिन, 30 डेज, या फिर जिस दिन आपका इश्यू क्या हुआ, क्लोज हुआ, वहां से कितने दिन, 15 डेज. कंफ्यूज मत होना, अपने को दोनों ही कंडीशन क्या करनी है, फुलफिल करनी है. तो आप बस यहाँ पे ये डाल देना विच एवर इज, अगर आपने विच एवर इज अर्लियर डाल दिया तो दोनों ही कंडीशन आपकी 30 डेज की कंडीशन और 15 डेज की कंडीशन, दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, आपकी फुलफिल हो जाएंगी. इज दैट क्लियर, नया समझ रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, कुछ नहीं, वहाँ पे 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्या लिखा है, जिस डेट को प्रोस्पेक्टस, पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू होता है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, अपना पब्लिक इश्यू ओपन करते हैं, पब्लिक इश्यू क्लोज करते हैं, उसके कितने के अंदर, 30 दिन के अंदर, या फिर यस, या फिर जिस दिन आपका इश्यू क्लोज हुआ उसके 15 डेज के अंदर, तो 15 डेज के अंदर, ये तो विच एवर इज अर्लियर कर दिया, दोनों कंडीशन आपको क्या करनी है, फुलफिल करनी है. नहीं कर पाए तो बच्चों कितना, यस 16वें दिन से 16 डे से क्या लगेगा, इंटरेस्ट. लेकिन इंटरेस्ट कौन पे करेगा, डायरेक्टर्स पे करेंगे, डायरेक्टर्स. लेकिन सारे डायरेक्टर पे करेंगे या डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स पे करेंगे, याद रखना डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स, नॉट ऑल द डायरेक्टर. तो अगर मैं एग्जामिनर बना तो एक क्वेश्चन दे दूंगा कि 6 डायरेक्टर थे, रिफंड करने की बारी आई, 4 डायरेक्टर्स इंडिया में थे, 2 डायरेक्टर फॉरेन में थे, और जो डायरेक्टर फॉरेन में थे उनको पता ही नहीं था कि इंडिया में क्या हो रहा है. तो इंटरेस्ट पे करने की लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी, 6 के ऊपर या 4 के ऊपर, 4 के ऊपर, दैट्स ग्रेट. और उसके बाद ये जो आप एप्लीकेशन मनी रिफंड करोगे सिर्फ कौन से बैंक अकाउंट में डालोगे, उसी बैंक अकाउंट में डालोगे जिस बैंक अकाउंट से क्या आया है, यस
जिस बैंक अकाउंट से आपको पैसे मिले हैं उसी बैंक अकाउंट में आप क्या डालेंगे, रिफंड का अमाउंट डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट मतलब ROC को आप अलॉटमेंट के बारे में जानकारी कैसे देंगे। बच्चे बहुत सिंपल है, जिस दिन आपने अलॉट किया है, याद रखना बच्चों सेक्शन नंबर 88 जब पढ़ोगे और उसके साथ रूल 5, 6, 7 पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा अलॉटमेंट किस डेट को होता है। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। जिस डेट को कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करती है उस डेट को अलॉटमेंट होता है, ठीक है। सो अलॉटमेंट के कितने के अंदर, 30 डेज के अंदर अपने क्या करना है, फॉर्म नंबर PAS3 ROC के साथ फाइल करना है। इज दैट क्लियर? और PS3 जब आप फाइल करो तो आपको क्या क्या बताना है PS3 में। यस, लिस्ट ऑफ अलॉटिंग मतलब किन किन लोगों को आपने अलॉट किया, उनका नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, यस और नो। और ये याद रखना बच्चों, और ये जो लिस्ट ऑफ अलॉटी है इसको साइन कौन करेगा, इसको सर्टिफाई कौन करेगा, वही इंसान जो PAS3 में अपने डिजिटल सिग्नेचर लगा रहे उस इंसान को क्या करना है, लिस्ट ऑफ अलॉटी जो अलग से पेपर होगा उसके ऊपर वो क्या करेगा, साइन करेगा। कौन साइन करेगा, जिसने PS3 पे साइन किया है। उसके बाद अगर बच्चों बोनस शेयर्स नहीं, याद रखना अमेंडमेंट हो चुका है, पहले बोनस शेयर्स जब अलॉट करते थे तो अपने क्या करना होता था, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की कॉपी अटैच करनी होती थी, लेकिन अब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी अमेंडमेंट के थ्रू वो सारी चीज़ें हट गई, लेकिन अपन ने रेगुलर बैच में भी एक पढ़ा था। तो जब भी कंपनी क्या करती है, जब भी कंपनी क्या अलॉट करती है बच्चों, नॉर्मल शेयर्स अलॉट करती है। बोनस शेयर के बारे में बात नहीं करूँ, नॉर्मल शेयर्स कंपनी अलॉट करती है। कैसे, कैश के ऊपर या अदर देन कैश के ऊपर? अदर देन कैश के ऊपर। तो कंपनी को क्या करना है, वो अग्रीमेंट, वो अग्रीमेंट जो कंपनी ने एग्जीक्यूट किया है, जो प्रूफ है कि कंपनी को क्या मिला है, कंसीडरेशन मिला है, इस अग्रीमेंट को भी क्या करना है, इस अग्रीमेंट को PAS3 के साथ क्या करना है, अटैच करना है। और अगर वो अग्रीमेंट क्या नहीं है, राइटिंग में नहीं है, तो आपको क्या लेना है, एक पेपर लेना है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या करनी है एक पेपर पे लिखनी है, उसके ऊपर रिक्वायर्ड स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, एंड देन यू हैव टू अटैच दिस विद PAS3। कब, लेकिन ये कब वो एप्लीकेबल होगा, जब जब आपने शेयर्स अलॉट किए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसके बाद आपको एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर की क्या लगानी है, रिपोर्ट भी लगानी है। जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर कब अपॉइंट होता है, बहुत सारे केस में, जैसे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वगैरह आप करते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर शेयर्स इश्यू करते हो, तो प्राइस हम कैसे फिक्स करते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट पे। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट भी आपको क्या करनी है, अटैच करनी है PAS3 के साथ। इज दैट क्लियर? सेम। और बच्चों ये एक्सप्लेनेशन कट कर देंगे कि जब तक रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं आता तब तक मर्चेंट बैंकर वैल्यूएशन कर सकता है, अब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के प्रोविजन एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो ये हो गया कौन सेक्शन बच्चों, अपना सेक्शन नंबर 39। अब मैं आपके साथ कौन सा सेक्शन स्टार्ट करूंगा, जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ और आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने इग्नोर कर रखा होगा इस सेक्शन को। चलिए कम टू सेक्शन नंबर 40। व्हाट इज सेक्शन 40 बच्चों? सेक्शन 40 क्या बोलता है, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। सो बेसिकली ये अंडरराइटिंग कमीशन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, अंडरराइटिंग कमीशन या फिर ब्रोकरेज वगैरह। जब हम शेयर्स को क्या करते हैं, प्राइवेटली प्लेस करवाते हैं, तो अपन क्या पे करते हैं, ब्रोकरेज वगैरह पे करते हैं, तो ये सेक्शन उसके बारे में बात करता है। प्लीज हियर बच्चों, नाउ एक मिनट, हमारी स्टूडेंट श्रेया बोल रही है कि सर रूल 12 सब रूल 3 क्लियरली एक बार वापस से बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं श्रेया, जस्ट फॉर यू, अगर मान लो कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स अलॉट कर रही है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कंपनी आपको 10 करोड़ के शेयर दे रही है और आप कंपनी को 10 करोड़ की ज़मीन दे रहे हैं, तो कंपनी और आपके बीच में क्या होता है, अग्रीमेंट होता है। सीधी बात है, रिटर्न अग्रीमेंट, आपको पता है इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है तो रिटर्न और रजिस्टर्ड अग्रीमेंट होगा, हाँ या ना? तो इस अग्रीमेंट की कॉपी, इस अग्रीमेंट की कॉपी, जिसे जो ये दिखाती है कि कंपनी को शेयर के अगेंस्ट क्या मिला है, ज़मीन मिली है, तो इस अग्रीमेंट की कॉपी आपको PAS3 के साथ क्या करनी है, अटैच करनी है, ठीक है। नाउ अब बच्चों यस, तो मैं स्टार्ट करूंगा, आई होप दैट मेक्स अ सेंस क्लियर। श्रेया क्लियर है बेटा? चलिए अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 40। सेक्शन 40 किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। प्लीज हियर, ध्यान से देखिए बच्चों, बच्चों सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या बोलता है, एक पब्लिक कंपनी जब पब्लिक ऑफर लेके आए तो उसको कंपलसरी क्या करना है, प्रोस्पेक्टस इश्यू करना है। कल हमारा पहला डिस्कशन हुआ था, यस और नो बच्चों? उसी कड़ी में एक स्टेप अगर हम आगे बढ़ जाएं, तो बच्चों जो भी कंपनी पब्लिक ऑफर लेके आती है, पब्लिक ऑफर लाने के पहले उसको एप्लीकेशन देना होता है 1 और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस को। किस लिए बच्चों,
स्टॉक एक्सचेंज की क्या ऑप्टेन करने के लिए, परमिशन ऑप्टेन करने के लिए कि वो सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो जाए, डील हो जाए। और यहाँ से एक और चीज़ निकल के आती है कि जब भी एक कंपनी पब्लिक ऑफर लेके आती है, प्रोस्पेक्टस इश्यू करना कंपलसरी है, प्लस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराना भी क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है व्हेनेवर योर कंपनी कम्स विद पब्लिक इश्यू। तो पब्लिक इश्यू लाने के पहले सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है, एक या एक से ज़्यादा रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, लिस्टिंग के लिए। उसके बाद अगर आपने प्रोस्पेक्टस में, फिर आपको प्रोस्पेक्टस में बताना होता है कि हमने स्टॉक एक्सचेंज को लिस्टिंग के लिए क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। तो आपको स्टॉक एक्सचेंज का क्या बताना है, सेक्शन 40 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि आपको स्टॉक एक्सचेंज का नाम भी बताना है। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज का नाम, यस, जहां पे आप अपनी सिक्योरिटीज को क्या करवाने वाले हो, लिस्ट करवाने वाले हो। नाउ 40 सबसेक्शन 3, कोई दिक्कत नहीं है, ये बोलता है कि जो पैसा, जो मनी आपको मिलने वाली है, मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी जो भी आपको पब्लिक इश्यू में आएगी, उसको आप एक सेपरेट अकाउंट में रखेंगे और वो पैसा आप सिर्फ दो ही पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, जो एप्लीकेशन मनी है। यस, पहला क्या है, द फर्स्ट इज एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट, सेक्शन 40 सबसेक्शन 3। मतलब आप अलॉट कर दीजिए, आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया तो आप अलॉट कर दीजिए, और अलॉटमेंट के बाद ये पैसा आप सेपरेट अकाउंट से निकाल के अपनी कंपनी के अकाउंट में डाल लीजिए और बिंदास इस पैसे को यूज़ कीजिए। और दूसरा, अगर अलॉटमेंट, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो किसके लिए यूज़ करोगे, रिफंड के लिए। इज दैट क्लियर? तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है पैसा। और वो बैंक अकाउंट कहाँ खोलोगे, अगर मैं एग्जामिनर रहा तो मैं एग्जाम में पूछ दूंगा कि सिर्फ बैंक अकाउंट में रखा पैसा, नहीं, स्केड्यूल बैंक। वेरी नाइस, टू क्लॉज 80 में स्केड्यूल बैंक को डिफाइन किया हुआ है, आरबीआई एक्ट के टू क्लॉज ई में जो बैंक्स हैं, दोज बैंक्स आर व्हाट बेटा, स्केड्यूल बैंक्स। इज दैट क्लियर? सेक्शन 40 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, ये जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक दो बच्चे मुझसे इसके बारे में भी डाउट पूछ लेते हैं, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। ऊपर लिखे हुए तीन सबसेक्शन हर एक कंपनी को कंपलसरली क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। अगर कंपनी किसी इन्वेस्टर के साथ अग्रीमेंट करती है, कंपनी ने 500 लोगों के साथ अग्रीमेंट कर लिया कि हम तुमको शेयर्स देंगे पर हम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, तुमको चलेगा क्या, वो लोग मान जाते हैं, तो ये अग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है, वॉइड है। कंपनी किसी इन्वेस्टर से अग्रीमेंट कर रही है कि भाई तू हमारे पब्लिक इश्यू में शेयर खरीदना, लेकिन जो तेरे पैसे हैं वो हम सेपरेट अकाउंट में नहीं रखेंगे, वो हम प्रमोटर के अकाउंट में रखेंगे, और वह इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या वो अग्रीमेंट वैलिड है, वॉइड? तो बच्चों, कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो कंपनी इन्वेस्टर के साथ करती है जिसके थ्रू कंपनी ये सारी कंडीशंस को क्या कर देती है, वेव कर देती है, तो वो अग्रीमेंट क्या होगा बच्चों, वॉइड एब इनिशियो। इज दैट क्लियर? ये पनिशमेंट है। और सेक्शन 40 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है कि यस, कंपनी प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस को फुलफिल करके क्या पे कर सकती है, कमीशन पे कर सकती है। कंपनी को अगर क्या करना है, सिक्योरिटीज के इश्यू से रिलेटेड कमीशन वगैरह पे करना है, तो प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, प्रिस्क्राइब का मतलब 2 clause 67 क्या है बच्चों, प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। और यहाँ पर रूल देखना है आपको, कौन सा रूल है, रूल 13, जो किससे रिलेट करता है, पेमेंट ऑफ कमीशन। कितना कमीशन पे कर सकते हो, अच्छा कमीशन पे कब कर सकते हो, एक मिनट, बहुत अच्छा है, कमीशन पे कब कर सकते हो, सीधी बात है, जब पेमेंट ऑफ कमीशन कहाँ से अलाउड है, आपके आर्टिकल से ऑथराइज है। इसका मतलब अगर आपके आर्टिकल साइलेंट हैं तो आप कमीशन पे नहीं कर सकते, आपको अपने आर्टिकल्स को अल्टर करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक क्लॉज डालना पड़ेगा जो आपकी कंपनी को क्या दे, अथॉरिटी दे। दूसरा, कमीशन कहाँ से पे कर सकते हो, आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द इश्यू, प्रोसीड्स ऑफ द इश्यू मतलब इश्यू करके जो पैसा है वहाँ से पे कर सकते हो, या फिर कहाँ से पे कर सकते हो, कंपनी के प्रॉफिट से, या पार्टली आधा प्रॉफिट से दे दो, आधा प्रोसीड्स ऑफ इश्यू से दे दो। नाउ रेट ऑफ कमीशन कैन नॉट एक्सीड, याद रखना इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला, एक्ट, आर्टिकल और अग्रीमेंट, विच एवर इज लेस। शेयर्स के केस में 5%, डिबेंचर्स के केस में 2.5%, या फिर जितना रेट कहाँ पे लिखा है, आर्टिकल में, या फिर जितना आपका अंडरराइटिंग अग्रीमेंट में लिखा है, विच एवर इज लेस इज द अमाउंट ऑफ कमीशन दैट यू कैन पे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कमीशन पे। और उसमें भी एक चीज़ याद रखना, तभी पे कर सकते हो जब आपके आर्टिकल्स क्या करते हैं, आपको ऑथराइज करते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू बच्चों? अरे हाँ, है ना। उसके बाद अंडरराइटर का नाम, रेट और अमाउंट, कितनी सिक्योरिटीज वो सब्सक्राइब करेगा, एब्सोल्युटली सब्सक्राइब करेगा, कंडीशनली सब्सक्राइब करेगा, ये सारी चीज़ें कहाँ पे डालनी है आपको, ये तीन डिस्क्लोजर्स आपको कहाँ पे देना है, अपने प्रोस्पेक्टस में आपको देना है। इज दैट क्लियर? चलिए, और जो अंडरराइटिंग अग्रीमेंट की कॉपी है, वो कॉपी आपको क्या करनी है,
अपने प्रोस्पेक्टस में डालनी है, और ROC के साथ क्या करवानी है, रजिस्टर करवानी है। जब अपना RHP आप क्या करोगे, ROC के साथ फाइल करोगे। तो ये 2 क्लॉज 80 में स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है। फिर ये मेरा एकदम इजी लैंग्वेज का बच्चों एक्सप्लेनेशन है, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एग्जाम के टाइम पे तो आप यहीं से पढ़ेंगे। GDR अपने सिलेबस का पार्ट है नहीं, बस याद रखना कि कंपनी क्या कर सकती है, जनरल मीटिंग में क्या पास करके, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके क्या कर सकती है, GDR इश्यू कर सकती है। GDR का मतलब क्या होता है, अंडरलाइंग शेयर्स। GDR के अंदर क्या होते हैं, अंडरलाइंग शेयर्स। कंपनी ये शेयर्स किसको इश्यू करती है, ओवरसीज डिपॉजिटरी को। शेयर्स कहाँ पे होते हैं, डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास होते हैं, और ओवरसीज डिपॉजिटरी क्या करती है, उन शेयर्स को फॉरेन के इन्वेस्टर्स को क्या करती है, सेल करती है। कंपनी में हम मानते हैं कि क्या हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। इज दैट क्लियर? तो ये अपना सेक्शन नंबर 41 हो गया, नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। उसके बाद अपना सेक्शन 42 है, जिसको आप पढ़ते हैं रूल नंबर 14 के साथ। और ध्यान से सुनना, अपना कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 23 से लेके 41 ये पार्ट वन है। किसका? प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, जो किससे डील करता है, पब्लिक इशू। अब ये सेक्शन 42 जो है बेसिकली इस चैप्टर का क्या है, पार्ट टू। ये मेरा क्लासिफिकेशन नहीं है, बैरक का क्लासिफिकेशन, दिस इज पार्ट टू। और पार्ट टू के अंदर सिर्फ एक चैप्टर सेक्शन 42 प्लस रूल 14, जो किसे रिलेट करता है, प्राइवेट प्लेसमेंट से। चलिए प्लीज बच्चों, हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज मेरी तरफ देखिए और मुझे बताइए। अभी तक आई थिंक 50 मिनट्स हो गए, मैं आपसे बात ही नहीं कर पाया। यस, नाउ यू कैन प्लीज टॉक। अपने मन में जो भी भड़ास है, ये भड़ास वर्ड को मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है पास्ट में, मेरे पुराने बच्चों को जरूर पता होगा जब मैं भड़ास बोलता हूँ तो भड़ास का मतलब क्या है। सो एक बार चेक कर लीजिए, किसी के मन में कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज बताइए बच्चों। ऋषिकेश इज सेइंग सर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्लीज। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए वील हैव सेपरेट सेशन यार, लेट्स कीप इट टू द रिवीजन सेशन ओनली। हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से कमेंट करो यार, कैसा चल रहा है, स्पीड कैसी है मेरी, तुमको लग रहा है कि रेगुलर क्लास है क्या? अब तो मत बोलना कि रेगुलर क्लास है, फास्ट ट्रैक के रंग में मैं रंगने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए जल्दी देखिए, हाँ बट वी हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज इवन ऑन अ सिंगल प्रोविजन, वी आर डन विथ एवरी प्रोविजन। चलिए यस बच्चों जल्दी से बात कर लीजिए, किसी को मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशन भी कर दूंगा अभी। चलिए बच्चे जल्दी जल्दी देखिए, एंड देन विल मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 42। दैट्स ग्रेट, यस दैट्स रियली ग्रेट। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, सो दैट आई कुड प्रोसीड फर्दर। थैंक यू साहिल, थैंक यू सो मच बच्चों। चलो आई थिंक भागना शुरू करते हैं, अगला जो सेक्शन है दैट इज व्हाट बेटा, सेक्शन नंबर 42। सो लेट्स सी व्हाट इज सेक्शन नंबर 42। चलिए बेटा जल्दी से देखिए सेक्शन नंबर 42 क्या है। सेक्शन 42 का टाइटल क्या बोलता है, ऑफर और इन्विटेशन फॉर शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। सेक्शन 42 का टाइटल क्या है बच्चों, ऑफर और इन्विटेशन फॉर शेयर्स। शेयर वर्ड यूज किया है, मतलब अगर आप सेक्शन का टाइटल देखें, सेक्शन का क्या देखें, अगर आप इफ यू कुड सी द टाइटल ऑफ द सेक्शन, तो टाइटल देखें क्या लगता है, सिर्फ शेयर से हम प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इश्यू कर सकते हैं। बट आप जब देखो तो सेक्शन 42 का सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, एक कंपनी क्या इश्यू कर सकती है, एक कंपनी सिक्योरिटीज इश्यू कर सकती है ऑन व्हाट बेसिस, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के ऊपर। कंपनी क्या कर सकती है बच्चों, कंपनी कैन इवन इश्यू व्हाट बेटा, सिक्योरिटीज। सो बेसिकली आपको पता है अपन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज पढ़ते हैं, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज के अंदर यस हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं कि अगर टाइटल और कंटेंट में, सेक्शन के टाइटल में और सेक्शन के कंटेंट में अगर क्या है, कोई विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो प्रिवेल क्या करता है, कॉन्टेंट या प्रोविजन्स। तो बेसिकली ये सेक्शन किससे रिलेट करता है बच्चों, आदित्य जैसवाल इज सेइंग सर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दीजिए। बेटा किसी के पास अपने मैराथन वाले ग्रुप का लिंक है तो प्लीज भेज देना यहाँ पे। हाँ जी लेट्स सी, तो स्टार्ट करें सेक्शन 42, काफी अच्छा सेक्शन है। अच्छा प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है,
सेक्शन नंबर 42 सबसेक्शन 3 के एक्सप्लेनेशन 1 में बताया है, ऐसे बोलोगे, क्या बोलोगे? 42 सबसेक्शन 3 के एक्सप्लेनेशन 1 में बताया है कि प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या है, ऑफरिंग शेयर्स टू होम बच्चों, सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस, और ये सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन कौन है, जिनके नाम कंपनी ने ऑलरेडी क्या कर रखे हैं, जिनके नाम जो आइडेंटिफाइड पर्सन है और इनके नाम कंपनी ऑलरेडी क्या कर रखी होती है, रिकॉर्ड कर रखी होती है, इज दैट क्लियर, किसी बाहर वाले को ना देना। चलो इधर देखो जल्दी से, सो प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी मेड, यार दो मिनट रुक जाओ यार, ये पेंसिल डिस्चार्ज हो गई सर, मैराथन का नहीं फास्ट ट्रैक का, अरे वो फास्ट ट्रैक और मैराथन एक ही भाई, एक ही ग्रुप है दोस्त, कितने ग्रुप बनाएंगे यार दोस्त, मैराथन का अलग फास्ट ट्रैक का अलग, ठीक है, सो वी हैव जस्ट वन ग्रुप। चलिए गार्गी जी कैसी हैं कोलकाता, क्या बोलते हैं अपना, बीजेपी आ रही है कि नहीं आ रही कोलकाता में, अरे कौन कहां कहां से मुझे ये बता दो यार, तो मैं ये समझ जाऊं कि तुम्हारे यहां पे लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी जीत रही है कि नहीं जीत रही है, जल्दी से बता दो भाई तुम्हारे यहां पे इलेक्शन कौन जीत रहा है। अच्छा आज आपको ब्रेक नहीं मिल पाएगा, डायरेक्टली 11:40 को मैम विल स्टार्ट। चलिए हाँ जी, प्लीज हियर नाउ, यस देखिए ध्यान से, प्राइवेट प्लेसमेंट अपन किसको करेंगे बच्चों, यस सबकी बार 400 पार, दैट्स ग्रेट, मेरे ख्याल से 500 पार भी हो सकता है, हो जाए तो अच्छा है ना। गोरखपुर जसवंत इज फ्रॉम हैदराबाद, यस तो नितिन गडकरी तो अनडाउटेडली जीत रहा है भाई। शंकर इज सेइंग फिर एक बार मोदी सरकार, हाँ शंकर तुम्हारे मुंबई में तो हर जगह बीजेपी चाह रही है, दैट्स ग्रेट। शिवान चतुर्वेदी बोल रहे हैं मेरे सामने ही है, मेरे सामने मेरी जान का टुकड़ा है, चलिए ग्रेट, यस 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 दैट्स ग्रेट, बीजेपी शुड कम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। चलिए अरे वो नहीं हो रहा क्या, लिंक शेयर नहीं हो रहा क्या ग्रुप का, वो ग्रुप की सेटिंग में ऊपर जाओगे ना तो उसमें आएगा मेरे ख्याल से कॉपी जो भी है, चलो ठीक है मैं बाद में देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलो सारे लोग मेरी तब ध्यान देखो, चलो जल्दी से 10 मिनट अपने पास आखिरी के। तो कंपनी क्या कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट दे सकती है किसको, सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को, यस और नो, कौन से लोग, रैंडम कोई भी नहीं हो सकता, इनका नाम पहले ही कंपनी ने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, और ये एज में होगा, और कितने लोगों को, मैक्सिमम कितने, 50, बट इसको हम 50 नहीं मानेंगे, रूल्स में कितने दिए गए हैं 200, तो इस 50 को यहाँ पे हम सिर्फ इतने ही मानेंगे, 50 और अदर नंबर एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब ये सेक्शन ही गवर्नमेंट को पावर दे रहा है कि तुम दूसरे नंबर को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कितना प्रिस्क्राइब कर दिया, 200, ठीक है, और ये 200 में किसको काउंट नहीं करोगे, QIBs को और एम्प्लॉइज को, कौन से एम्प्लॉय को, जिनको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर क्या मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं, ठीक है, और ये 200 एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम आप 200 लोगों को ही क्या कर सकते हो, सिक्योरिटीज अलॉट कर सकते हो। उसके बाद 42 सबसेक्शन 3 ध्यान देखिए, जो भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर शेयर इश्यू करती है, जो भी कंपनी क्या करती है, तो मैक्सिमम कितने लोगों को, 200 लोगों को, उनको क्या करना है बच्चों, यस कंपनी को एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म इश्यू करना है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, और किसको, सारे लोगों को इश्यू करेगी या फिर आइडेंटिफाइड पर्संस को, सिर्फ आइडेंटिफाइड पर्सन को, जिनका नाम कंपनी ने क्या कर दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है, और याद रखना प्राइवेट प्लेसमेंट जो ऑफर लेटर आएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर राइट ऑफ रेनन्सिएशन नहीं मिलता, रेनन्सिएशन का मतलब क्या होता है, गिव अवे, अपना राइट किसी और को देना। देन एक्सप्लेनेशन 1 में प्राइवेट प्लेसमेंट को क्या बताया है, मतलब बताया है क्या बच्चों, अरे सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या देना, शेयर्स देना, अदर देन बाय वे ऑफ व्हाट बेटा, पब्लिक ऑफर। QIB का मतलब वही है जो सभी ICDR में बताया गया है, और एक्सप्लेनेशन 3 बोलता है भाई कि तुमने क्या किया, अगर 200 लोगों की कंडीशन को क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, तो ये क्या माना जाएगा कि तुम क्या लेके आए हो, तुम पब्लिक इश्यू लेकर आए हो, ठीक है। नाउ सेक्शन 42 का सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, जिस भी आइडेंटिफाइड पर्सन को क्या करनी है, कंपनी की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करना है, क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसको
यस बच्चों, उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कैश चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी कंपनी को पे करना पड़ेगा। यस और नो बच्चों? और सबसे इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना, जब तक कंपनी क्या ना कर दे, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल ना कर दे। 42 सबसेक्शन 8 में बताया है कि रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट यहाँ पे 15 डेज के अंदर फाइल करना होता है आरओसी के तहत। नॉर्मल केस में 30 दिन है, बट प्राइवेट प्लेसमेंट में 15 डेज के अंदर आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना होता है। और जब तक आप क्या फाइल ना कर दो, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल ना कर, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, तब तक आप पैसे को यूज नहीं कर सकते। उसके बाद सेक्शन 42 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, दो चीजें प्लीज हियर बच्चों, 42 सबसेक्शन 5 दो चीजें बोलते हैं। सारे लोग मेरी तरफ देखो, जब तक आपका एक ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट का क्या है, पेंडिंग है, जब तक आपका एक ऑफर क्या है, तो जब तक ये ऑफर क्या ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए या अबेंडन ना हो जाए, अबेंडन मतलब कंपनी विड्रॉ ना कर ले, तब तक एट द सेम टाइम दो ऑफर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के रख नहीं सकती। हाँ, प्रोवाइजर बोलता है कि कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी ने जो लोगों के नाम रिकॉर्ड किए हैं 200 लोगों के, कंपनी इन लोगों को पूरे साल भर जितने चाहे, जैसे मैंने शिवांश का नाम रिकॉर्ड कर लिया, शिवांश को मैं पूरे साल भर जितनी बार चाहूँ उतनी बार क्या कर सकता हूँ, प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर सिक्योरिटीज अलॉट कर सकता हूँ, परंतु एक टाइम पे एक ही प्राइवेट प्लेसमेंट चलेगा, ये ध्यान में रखना। उसके बाद जो कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है उसको अलॉटमेंट कितने दिन के अंदर करना है, जिस दिन आपका एप्लीकेशन आता है उसके कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर। और अगर कंपनी 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट नहीं कर पाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 डेज के अंदर क्या कर दो, पैसे रिफंड कर दो। और अगर 15 डेज के अंदर पैसे रिफंड नहीं कर पाए तो 12% पर एनम का क्या देना है बच्चों, आपको इंटरेस्ट देना है। कहाँ से, ओए 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट प्लस 15 डेज के अंदर रिफंड नहीं पे कर पाए तो 12% का इंटरेस्ट। लेकिन कब से बच्चों, 61st डे से आपको इंटरेस्ट देना है, मतलब 68 डे के बाद से ही आपको, मतलब इस 15 दिन का भी आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी पैसा आपको प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है उसको आप दो ही तरीके पर्पज़ के यूज़ कर सकते हो। पहला, अगर आपने सही टाइम पर अलॉटमेंट कर दिया तो एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट, नहीं तो फिर रिफंड करने के लिए। उसके बाद हाँ जी, आपको कोई भी एडवर्टीजमेंट वगैरह इश्यू करना नहीं है, सीधी बात है यार, ये पब्लिक इश्यू थोड़ी ना है। उसके बाद 42 सबसेक्शन 8 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कितने के अंदर फाइल करना है, 15 डेज के अंदर। सेम फॉर्म कौन सा होगा, PS3। उसके बाद कंपनी ने अगर क्या नहीं किया, कंपनी ने अगर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या नहीं किया, फाइल नहीं किया, तो 1000 रुपीज एवरी डे तक की क्या लगेगी बच्चों, पेनल्टी लगेगी। लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 25 लाख रुपए। उसके बाद अगर कंपनी ने क्या किया है बच्चों, ये पेनल्टी हो गई। और 42 सबसेक्शन 11 ये बोलता है कि अगर 200 से ज़्यादा लोगों को तुमने शेयर्स अलॉट किए तो पेनल्टी तो देनी पड़ेगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसको क्या मान लिया जाएगा, इसको पब्लिक इश्यू माना जाएगा, ये ध्यान में रखना। 200 की लिमिट आपको क्रॉस नहीं करनी है। नाउ रूल 14, रूल क्या है बच्चों, अगला रूल 14, और ये याद रखना, 200 की जो लिमिट है इन रिस्पेक्ट ऑफ पर क्लास ऑफ सिक्योरिटी है। इक्विटी शेयर्स के लिए 200, अच्छा इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर को भी इक्विटी शेयर ही मानोगे क्योंकि वो आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विटी शेयर। सो इक्विटी शेयर 200, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर 200, प्रेफरेंस शेयर्स 200। नाउ अच्छा एक चीज याद रखना, रूल 14 सब रूल 1 क्या बोलते हैं, जनरल मीटिंग में जब तक आपने क्या नहीं किया, हर एक प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। और जो क्या दोगे, ओए जो क्या दोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए जनरल मीटिंग का जो नोटिस भेजोगे उसके नोटिस के साथ क्या लगाओगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको ये सारी जानकारी देनी है, क्या बोर्ड रेजोल्यूशन किस डेट को पास हुआ था, क्योंकि डायरेक्टली SR तो पास नहीं होता ना, पहले BR पास होता है। उसके बाद कौन सी सिक्योरिटीज दे रहे हो, प्राइस कैसे फिक्स किया, किस वैल्यूअर ने वैल्यूएशन किया, उसके बाद कितना अमाउंट कंपनी रेस कर रही है, मटेरियल टर्म्स किन टर्म्स पे कंपनी, मटेरियल टर्म्स मतलब टर्म्स एंड कंडीशन बच्चों, प्रमोटर सब अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो भी कंडीशंस आप वो बताओगे। और उसमें एक चीज़ याद रखना बच्चों, एक चीज़ याद रखना, आपको प्लीज हियर बच्चों, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर, आपको SR पास करने की ज़रूरत नहीं। कब, अगर आपका जो अमाउंट आपको मिलने वाला है वो 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की लिमिट के अंदर है, क्या 100% ऑफ PUC FR और SP इसकी लिमिट के अंदर है, तो आपको SR पास करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए आपने साल में अगर एक ही रेजोल्यूशन पास किया, दैट वुड बी वैलिड फॉर, आप एक रेजोल्यूशन पास करके बोल दो कि हम 2000 करोड़ रुपए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के थ्रू रेस करेंगे,
तो 2,000 करोड़ रुपए आप क्या कर सकते हो, पूरा एक बार में भी ले सकते हो, या फिर एक साल के अंदर आप जितने इश्यू लेके आओ प्राइवेट प्लेसमेंट के, आप 2,000 करोड़ रुपए ले सकते हो। आपको हर के लिए अलग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम कितने लोगों को अलॉट करोगे, 200 लोगों को अलॉट करोगे, यस और नो। QIB और एम्प्लॉई इस 200 के लिमिट में काउंट नहीं होंगे, लेकिन एम्प्लॉई कौन से, जिन एम्प्लॉई को आप ESOP के अंदर शेयर्स देते हो, इज दैट क्लियर। ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर होगा ये कौन से फॉर्म में होगा बच्चों, ये होगा PAS 4 में, इज दैट क्लियर। चलिए बच्चों, और बच्चों ध्यान से देखना, कितने दिन के अंदर इसको प्राइवेट प्लेसमेंट लेटर ऑफ ऑफर भेजना है अपने को, जिसके थ्रू वो अप्लाई करेगा, जिस दिन अपन ने उसका नाम क्या किया है, रिकॉर्ड किया है, उसके 30 डेज के अंदर उसको हमको प्राइवेट प्लेसमेंट लेटर ऑफ ऑफर भेजना है, जिससे वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने जो भी सिक्योरिटीज अलॉट की हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर, कंपनी को उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कौन से फॉर्म में, PAS 5 में। उसके बाद हाँ जी, पैसे कहाँ पे आएंगे बच्चों, यस सेपरेट बैंक अकाउंट में आपको पैसे रखने हैं नाम। उसके बाद जो लोग जॉइंटली अप्लाई करते हैं, तो जिसका पहले नाम, जिसका फर्स्ट एप्लीकेशन है, उसके बैंक अकाउंट से पैसे आने चाहिए प्राइवेट प्लेसमेंट के। उसके बाद रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में क्या क्या बताओगे, जब PS 3 फाइल करोगे तो उसमें क्या क्या जानकारी देनी है, फुल नेम, एड्रेस, ये सब, अलॉटी का नाम, कौन सी सिक्योरिटी दी, किस डेट को उसको क्या किया आपने अलॉटमेंट किया, कौन सी सिक्योरिटी उसके पास उसको दी है आपने, उनकी फेस वैल्यू कितनी है, उसने अमाउंट कितना पे किया, ये सारी चीज़ें बतानी है। देन द प्रोविजन ऑफ सब रूल 2, व्हाट इज सब रूल 2, रूल 14 सब रूल 2 इज 200 लोगों की लिमिट, तो 200 लोगों की लिमिट किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस, अगर ये RBI के रेगुलेशंस को कंप्लाई करके डिपॉजिट्स इश्यू कर रही हैं या प्राइवेट प्लेसमेंट पे सिक्योरिटी इश्यू कर रही हैं, तो इनको 200 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन 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 अगर क्या नहीं बनाए हैं, अगर इन्होंने RBI ने कोई रेगुलेशंस वगैरह बनाए नहीं हैं, तो इनको 200 की लिमिट क्या करनी है, फॉलो करनी है, इज दैट क्लियर। और बच्चों, अ कंपनी शैल इश्यू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म, PS 4 में इश्यू करते ना नाम रिकॉर्ड करने के 30 दिन के अंदर, तो क्या बोल रहे हैं, जब आपने क्या कर दिया है, स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर बोर्ड रेजोल्यूशन, आपने ROC के साथ क्या करवाया है, रजिस्टर, कुछ नहीं बचा, आप पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे, उस स्पेशल रेजोल्यूशन को MGT 14 में क्या करोगे, रजिस्टर करोगे। बोर्ड रेजोल्यूशन कब आएगा, अरे वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिमिट के अंदर अगर इश्यू कर रहे हैं तो बोर्ड रेजोल्यूशन आ जाएगा। तो जब तक आपने उसको रजिस्टर नहीं कराया, तब तक आप अपने आइडेंटिफाइड पर्सन को क्या इश्यू नहीं कर सकते, प्राइवेट प्लेसमेंट लेटर ऑफ ऑफर इश्यू नहीं कर सकते, इज दैट क्लियर। एंड देन यू विल फाइंड माई एक्सप्लेनेशन एंड कॉमेंट्री इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, और ये चैप्टर अपना खत्म होता है पहला। तो फर्स्ट अपन एकदम टाइम पे, अपन ने जो अपने शुरू के 2 दिन का टारगेट था, दैट वी हैव मेट द टारगेट, और यस कल से अपना नया टॉपिक अपन शुरू कर देंगे, SCD। SCD के लिए अपन ने कितने दिन का टाइम दिया है, 2 दिन में नहीं हो पाएगा भाई, 3 दिन करना पड़ेगा, यस 3 दिन, 3 दिन लगेंगे। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चों, ग्रुप 2 का फास्ट ट्रैक बैच लो, प्लीज 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 प्लीज। ग्रुप 2 का फास्ट ट्रैक में प्रॉब्लम क्या, अभी हमारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ यार ग्रुप 2 का, मतलब वो अप्रैल तक जाएगा, तो हम सोच रहे थे मैराथन लेंगे, बट लेट्स सी। बच्चों आई होप क्लियर है सबको, अच्छा लगा तो जल्दी से एक दिल बना के भेज दो, तुम्हारा तारीफ मेरे पास आ जाएगा, गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर। और अभी 2 दिन के जो लेक्चर्स हैं ये यूट्यूब पर रहेंगे, उसके बाद हम प्राइवेट करना शुरू करेंगे, तो 2 या 3 दिन के लेक्चर्स आप बिंदास देख सकते हैं बच्चों यूट्यूब पे। चलिए बच्चों प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, अभी तुरंत मैम का लेक्चर चालू हो जाएगा, देर इज नो ब्रेक इन बिटवीन।